7 बजे करेक्ट हो रही है आज मेरी। गुड मॉर्निंग। मैंने ना नहा भी लिया आज। अब थोड़ा कपड़े वपड़े पहनता हूँ फिर चलता हूँ दुकान की तरफ। आज काफ़ी दिनों के बाद शूट कर रहा हूँ मैं ब्लॉग, नहीं तो ऐसे ही हो रहा आजकल। सुबह सुबह तो नंगा पाँव बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा है। ठूंड लग के मतलब तगड़े वाले जूते पहनता हूँ फटाफट। शनिवार भी आज, इसलिए थोड़ा जल्दी निकला हूँ। पहुंचा ही था रोड में, सब्जी की गाड़ी भी आ गई थी। आज जल्दी में इसलिए आया था, शनिवार था आज तो, सुबह सुबह लोग आते हैं ना। अब खोलता हूँ दुकान, अभी धूप भी नहीं निकली है फिलहाल। पहले शुरू कर लेते हैं ब्लॉग। हेलो मित्र, सब लोग उनका पहला कोड़ा हुआ नमस्कार, स्वागत है मेरे को नई ब्लॉग में। होप तुम सब ठीक नीला पे मोले एकदम वीडियो में आ गए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल में जो नए हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा दें। फिलहाल आपको देते हैं एक अपडेट मौसम का। ये देखिए, ये घाटी रोज की तरह हमेशा की तरह पैक है और क्या ब्यूटीफुल लगती है मेरे को तो। सुबह सुबह मज़ा आ जाता है इसको देखने में। कल तक थोड़ा कम था, सलकोट वगैरह दिख रहा था, आज फिर से ऊपर है। और मुझे ढोल की आवाज़ भी आ रही है यहाँ से, क्या कहते हैं सलकोट में, वो लगे हैं बेलचौरास। सूरज देवता बस निकलने ही वाले हैं, दूर वहाँ हिमालयी पर्वतों पे धूप आई होगी और हमारे छिनीदार में भी पहले धूप आ जाती है, उसके बाद नीचे को आएगी धूप। वाव, व्हाट ए ब्यूटीफुल। दिन की शुरुआत अगर इतने खूबसूरत नज़ारों के साथ हो जाए ना तो दिन काफ़ी अच्छा निकलता है। होप कि मेरा दिन भी आज अच्छा निकलेगा। आज फिलहाल आजकल कहीं जाना भी नहीं हो रहा है, घर में भी थोड़ा ऐसे ही चल रहा है ना, और दिन भर दुकान में ही कट रहा है। फिलहाल कुछ दिनों बाद क्रिकेट की जो टूर्नामेंट है, क्रिकेट का टूर्नामेंट वो शुरू होने वाला है, उसका अपडेट भी दिया जाएगा आपको। अब पहले अपना दुकान खोलता हूँ मैं, फिर लोग आने शुरू हो जाते हैं। आज शनिवार है तो जल्दी खोल रहा हूँ। अब दुकान खोल नहीं जा रहा था ना, एक ऐसे आदमी से मिलवाता हूँ पहले। राम राम। क्या हाल है चाचा? सुबह सुबह ये खाकी वर्दी पहन के, वर्दी तो दिखाओ एक बार, इधर आओ तो। मतलब घामनों का पहली निकल जन बगैर। क्या क्या काम हुआ आपका ऐसा? अभी हल्द्वानी जा रहा हूँ। क्या क्या था हल्द्वानी? क्या तरह क्यों जा रहे हो हल्द्वानी? आज परसों तो आए हो सेटिंग से मिलने। बर्थडे हमारा गणेश का बर्थडे कब? 25 को होगा शायद। 22 को। 22 को। आज कितनी तारीख? 17। 17 है, 18 है? 17 है। क्या बेदमदर वो 17 18। 2 दिन ओली गांव में रहूंगा। 2 दिन ओली क्यों रोला आज? एक कट्टा माल्टा ले जाना है। माल्टे आल्टे का भी हमको भी खिला दो, जूस वूस बना के। कब ला? जब लाते हो। अब मैं जब घर से आऊंगा तब लाऊंगा। हाँ, पूरा हाल ये तो अश्य को हो गया, भरोसा ही नहीं हुआ मुझे। अभी वो आ रहा हो। कौन? होशियार। उन्होंने कहाँ जा रहे हैं वो? उसको आप बेनाग ले जाना है। क्यों? उसका आधार कार्ड खराब हो रहा है। तुम बड़ा ला पाई आधार कार्ड बना के लाऊंगा मैं। की भी है ये मैं तो। क्यों? कपड़े हैं। मतलब सुबह निकल जाना हुआ? बस बस घर में टिकना ही नहीं। लोग कहते हैं चाचा से मुलाकात क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती इस टाइम पे? मतलब आज तो मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ ना, इससे पहले ही निकल जाते हैं और रात हो, जब रात हो जाती है तब आते हैं घर को, इस वजह से इनसे मुलाकात कम हो आती है आजकल। रख दे रख दे नीचे। अब मोजे कहाँ है मेरे मोजे? जुराब कहाँ है मेरे जुराब? सॉक्स कहाँ है मेरे सॉक्स? ला तो ला।
लाए दर लाए ले। घर पहुंच के ये हो रहा है मेरा, पानी गरम पीने को, खाना बिना खा लिया है। हो तो फाइनली खाना बिना हो गया है। अभी जो है 7 बजने वाले हैं, मतलब 7 बज गए हैं और हम लोगों ने अभी अभी खाना खाया है। आजकल ना मतलब कुछ हो ही नहीं पा रहा है ब्लॉग में, मतलब कुछ दिन भर कंटेंट कुछ बन ही नहीं पा रहा है, दिन भर बिजी रह जा रहा हूँ मैं दुकान में। फिलहाल आप सबको एक अपडेट देना था क्रिकेट का, क्रिकेट जल्दी शुरू होगा, हो सके तो अगर टीमें पहले पहले आ गई तो 25 को करवा देंगे पहला मैच। और क्या कहते हैं, हमारे वहाँ जैसे कि ग्रामीण चलता था ना पिछली बार तक कि पूरी टीम एक ही गांव की होगी, आधार कार्ड वगैरह देखा जाता था, इस बार ऐसा नहीं है, 4 खिलाड़ी बाहर के खिला सकते हो, यानी कि IPL की तर्ज पर 4 खिलाड़ी कोई भी टीम कोई भी गांव मतलब बाहर से प्लेयर रख सकता है, केवल 4 होंगे वो, और बाकी किट तो हमारे वहीं से मिलता है, क्रिकेट का किट वगैरह जो होता है बॉल आपको कमेटी से लेनी पड़ेगी। और ये नंबर आ रहा होगा नीचे, ये पड़ेबो का नंबर है, गोविंद गोविंद बिस्ट, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, अगर आप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या अपनी टीम को कराना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कॉल करें ताकि हम भी अपनी कार्रवाई आगे को बढ़ाएं। जितना अच्छा रिस्पांस आप लोगों से मिलेगा फिर हम भी जल्दी जल्दी करवाने की शुरू कोशिश करेंगे फिर, क्योंकि इस बार अगर हो गया ना शुरू हो गया तो January 1 तक तो हो जाएगा, उसके बाद मुश्किल होना है, मुश्किल है फिर शुरू होना, क्योंकि फिर हमारे वहाँ जनवरी में ना भागवत भी है तो भागवत की भी तैयारियां करनी है, तो फिर टफ हो जाएगा टूर्नामेंट होना कराना हम लोगों के लिए, 10-12 दिन तो लग ही जाएंगे भागवत में। तो कुछ ऐसा है, बाकी ब्लॉग वगैरह आजकल रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं उसके लिए समझ आते हैं, फिलहाल ये शादियों वाली वाइब ना अभी तक गई नहीं है, दिन भर कॉन्टेंट कुछ माइंड में आ ही नहीं पा रहा, फिर आज धीरे धीरे, आज मैंने परसों तो मैंने कुछ शूट नहीं किया, आज यानी कि कल जब वीडियो देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा शूट किया मैंने जो जो हुआ, फिलहाल तो दिन भर तो खैर बिजी रह रहा हूँ, और आजकल टेस्ट देखने में बड़ा मजा आता है, मैच देखने में दिन भर थोड़ा वो देख लेते हैं और ऐसे ही चल रहा है फिलहाल। फिर मिलेंगे आपको जल्द ही एक धमाकेदार ब्लॉग के साथ, इसी उम्मीद के साथ छोड़े जाते हैं आपको, मेरे चैनल की पुरानी वीडियो देखते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा, और अपने भाई को कमेंट करके भी थोड़ा बहुत हौसला अफजाई करते रहिएगा इसी तरीके से। बाकी मिलते हैं फिर अब कल नए ब्लॉग के साथ, ठीक है, होप की थोड़ी सी वाइब मेरी चली जाए, अब एडिटिंग ही करता हूँ उसके बाद सो जाते हैं, करते हैं एंडिंग, ठीक है। तो ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हैं आपको कल किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और सबसे जरूरी बात स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।